अंजलि, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आपके भाईजान सलमान खान के निजी जीवन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं जब से कैटरीना और विक्की कौशल की शादी हुई है तब से सलमान खान भी हमें काफी सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। अक्सर यहाँ पे कैटरीना और सलमान को जोड़ा जाता है और कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय बच्चन से भी सलमान खान का रिश्ता और अफेयर की बातें सुर्खियां पकड़ लेती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक बात ऐसी शेयर करना चाहती हूँ जहाँ पर सलमान खान के एक और अफेयर का राज खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर अक्सर ये बातें आती हैं कि सलमान ऐश्वर्या राय बच्चन और कैटरीना कैफ की वजह से अब तक सिंगल हैं, अब तक उन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन यहाँ पर एक और एक्ट्रेस है जिनका नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और जिनके कारण आज तक सलमान खान सिंगल है। तो आखिर कौन है एक्ट्रेस, क्या है इनके लव अफेयर के किस्से, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट लास्ट तक। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान शादी कब करेंगे, एक ऐसा सवाल बन चुका है जिसका जवाब देश ही नहीं विदेशों में रहा है। भाई के फैंस भी जानना चाहते हैं, हर कोई उस दिन के इंतजार में है जब सलमान खान के सिर सहरा सजेगा, लेकिन वो दिन है कि आने को ही राजी नहीं है। अब इसकी तमाम वजह हो सकती है, लेकिन एक वजह का करेक्शन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक्ट्रेस से है। यह ऐश्वर्या, कैटरीना या कोई और नहीं बल्कि रेखा है। एक बार सलमान ने शादी ना करने की वजह का खुलासा किया था। यह खुलासा साल 2014 में बिग बॉस के सेट पर हुआ था। उस वक्त रेखा वहां अपनी फिल्म सुपर नानी के प्रमोशन के लिए पहुंची थी। सलमान ने बताया कि टीनेज में वह रेखा से बहुत इम्प्रेस थे। उन दिनों वे इनके पड़ोसी हुआ करते थे। सलमान रेखा को मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए देखने के लिए सुबह 5:30 बजे उठ जाया करते थे। एक्ट्रेस के चक्कर में उन्होंने उनकी योग क्लास भी ज्वाइन कर ली थी। सलमान ने कहा, उस वक्त मेरा योगा से तो कोई कनेक्शन था ही नहीं, पर क्योंकि रेखा जी वहां पर सिखाती थी और मेरा दोस्त पहुंच जाया करते थे। रेखा ने बताया कि सलमान ने अपने घर में सबसे कह दिया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसी लड़की से शादी करूंगा। इस पर सलमान ने जवाब दिया, शायद इसलिए ही मेरी शादी ही नहीं हुई। रेखा ने मजाक में जवाब दिया, शायद मेरी भी इसलिए नहीं हुई। सलमान खान की वर्क फ्रंट की बात करें तो पूजा हेगड़े के साथ कभी ईद कभी दिवाली और जैकलिन फर्नांडिस के साथ किक टू में नजर आएंगे। यही नहीं, सलमान खान अपने खास दोस्त आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा में कैमियो करते नजर आएंगे और शाहरुख खान अभिनीत पठान में उनका छोटा सा रोल है। सलमान खान फिलहाल टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं जो लगभग खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस एक्ट्रेस के साथ अब सलमान का खान का नाम जुड़ने लगा है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर रेखा की वजह से सलमान ने आज तक शादी नहीं की है, आज तक वो सिंगल है और अक्सर यहाँ पर कैटरीना ऐश्वर्या राय बच्चन से उनका नाम जोड़ा जाता है। और फिलहाल तो यहाँ पर सलमान की शादी की खबरें लूलिया से यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है कि अब वो भी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। लेकिन फिलहाल सलमान ने इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर कोई भी नहीं दी है। तो अभी देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर कब हमारे भाईजान भी एक शादी के बंधन में बंधेंगे और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।